सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गाइस हमारे चैनल पर आए सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बगल में ऑल का ऑप्शन है, ऑल करो ताकि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आने वाला है आपको मिलते जाएगा। अभी देखो ओम नेटवर्क के बारे में बताया था, यहाँ पे जेके ऐप के बारे में बताया था, स्टार्कनेट, लॉल्ट लेयर और यहाँ पे बहुत सारे एयरड्रॉप में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर BRC20 ट्रेंड में चल रहा था, लीनिया एयरड्रॉप ओवर भी हो गया, बिनियम है, बहुत सारे एयरड्रॉप में बताया हूँ, तो किसी भी एयरड्रॉप को मिस मत करो, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहता है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जो भी लूट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करके बता देता हूँ कैसे कौन सा एयर ड्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का लूट भी अपडेट आते रहता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चैनल भी है, यहाँ पे भी छोटा मोटा लूट आपको आते रहता है। ठीक है, तो अपडेट में मिलते रहेगा। और यहाँ पे कोई भी लूट का दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर आसानी से आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आइए चलते हैं, कौन सा एयरड्रॉप है जो कुछ 3 से 4 एयरड्रॉप बताने वाला बोला हूँ, यहाँ फ्री एयरड्रॉप होने वाला है, कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, एक दो होगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एयरड्रॉप आ रहा है, यहाँ सिम्बा एक्सचेंज की तरफ से आ रहा है, जो कि यहाँ पे नाउ लिखा, नाउ आर यू लाइव जिले, मतलब कि यहाँ पे इनका जिले का रिवॉर्ड आ गया, जो कि यहाँ पे जितना आप जिले का पॉइंट अर्न करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड में चेंज होगा, जो कि यहाँ पे अर्ली यूजर के लिए और सारे यूजर के लिए है। तो यहाँ पे जितना आप लिखा है ना, नाउ एवरी एक्स वी अर्न इन जिले विल यू कन्वर्ट इन टू सिम्बा नेटिव टोकन, मतलब जो कि मेननेट में लॉन्च होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा एयरड्रॉप है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पे आज का ही लूट है, मतलब कल रात का ही अपडेट आया, जो कि यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे इनके आ जाएंगे जिले पे आने के बाद यहाँ पे मतलब कि जिले का टास्क आपको करना होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है, जो कि यहाँ पे आपको वॉलेट को कनेक्ट करना, और जैसे वॉलेट को कनेक्ट करोगे मेटामास्क से वॉलेट को कनेक्ट करना, और यहाँ पे जैसे क्रिप्टो फाइनेंस होता है वैसे सेम ये भी होता है। ठीक, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, साइनिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे डेली देखो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे जैसे आपने लीनिया किया हुआ, यहाँ पर डेली कनेक्ट है, यहाँ पर डेली कनेक्ट करोगे क्लेम करने का 10 XP मिलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एड्रेस कौन सा, तो आपको BSC एड्रेस आपको डाल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी गाइस, BSC का एड्रेस नहीं डालना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना लीप वॉलेट का। लीप वॉलेट क्या होता है, इसका एक्सटेंशन मैं दे दूंगा, तो यहाँ पे एक्सटेंशन आप इसको इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लेना, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर लेना, और यहाँ पे वॉलेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट में आते हो सेम इसी तरह बनता है। तो यहाँ पे जैसे इसको ओपन कर लेते हैं, लीप वॉलेट खुल गया, और जैसे कॉस्मस एक तरह का, यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू वॉलेट करना है। ठीक, अब यहाँ फेज किया है, मैं सेव कर लेता हूँ अपना। अब यहाँ पासवर्ड डालिए, ये सेट हो गया। अब देखो जैसे ये सेट हो गया, अब वॉलेट साइट से खोलते हैं, और जैसे आप लीप वॉलेट खोलोगे, लीप वॉलेट खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा साइड में जो कि एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जूनो दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे वॉलेट के ऊपर पर टैप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना वॉलेट हो गया होगा, आप यहाँ पे 3 डॉट पर टैप करना, और यहाँ पे वॉलेट का आपको हो गया। आप देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे वो आपको सी का एड्रेस डालना है, सी नेटवर्क का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको, तो यहाँ पे सी करके आ जाएगा, यहाँ सी अल्टरनेट है, और यहाँ पे इस पर टैप करना है SEI करके। ठीक है, सी करके एड्रेस आएगा, इसको कॉपी करना है। ठीक, देखो यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए ऊपर, SEI अल्टरनेट करके होगा, यहाँ पे एड्रेस कॉपी करना, जिसका एड्रेस स्टार्टिंग होगा आपको SEI करके एड्रेस कॉपी करना। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जिले में आ जाना, जिले में आने के बाद यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड पर टैप करो तो एड्रेस खुलेगा, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करो, पेस्ट करने में डन करो। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे डन कर दोगे, अब आपको क्लेम करना है, रिवॉर्ड आपका क्लेम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, विजिट करना, मतलब विजिट मतलब क्या, इनकी वेबसाइट पर जाओ, 10 सेकंड होगा, उसके बाद आपको बैक आ जाना होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे 10 सेकंड बाद आएगा, तब आपको क्लेम कर लेना, मैं 10 सेकंड वेट कर लेता। तो जैसे 10 सेकंड हो गया, उसके बाद क्लेम रिवॉर्ड पर टैप करना, आपका क्लेम हो जाएगा। वैसे ही आपको ये भी करना है, लिखा है सबमिट योर सी एड्रेस, तो यहाँ भी आपको वही एड्रेस डालना जो आपको एड्रेस मैंने कॉपी कराया है, इसको क्लेम रिवॉर्ड पर टैप करना। अब यहाँ नीचे भी ट्विटर फॉलो करना है, यहाँ पे सिंपल सिंपल टास्क है, जो कि ज्वाइन करना है ऑफिशियल, फिर यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना है, यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके यहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे भी ट्विटर का है, ट्विट करना है, यहाँ पे ट्विट करना है, यहाँ पे ट्विट करना है, बस इजी इजी टास्क है, जो कि यहाँ पे अभी यह लिस्टिंग है, तो ACD हो गए, यहाँ पे जाना है, इनको फॉलो करना है, ये भी फॉलो करके क्लेम करना है, बहुत इजी इजी टास्क है, सबको फॉलो करना है। अब यहाँ पे इन्वाइट अगर करते हो तो ठीक है, इनवाइट ये हो गया, बस इनवाइट कहाँ से कॉपी होगा, आपको इनवाइट कॉपी करने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट अर्न करना है, यहाँ से इनवाइट कॉपी कर सकते हो। ठीक, तो इनवाइट करना, कॉपी करना है दूसरे अकाउंट में,
तो कर सकते हो। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट एयर ड्रॉप, इसको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट अर्न करना। ज़्यादा पॉइंट कैसे अर्न होगा, आपको सारा टास्क करना होगा, उसके बाद अगर रेफर करना हो तो एक दो रेफर कर लेना। ठीक, तो अब यही चलता है सेकेंड एयर ड्रॉप पे। सेकेंड एयर ड्रॉप क्या है, जो कि यहाँ पे सिंग स्वैप करके आ रहा है। देखो यहाँ पे सिंग स्वैप का क्या है, यहाँ पे इनका जेके रोल अप है, यहाँ पे इनको फॉलो करना है। पहले वॉलेट को कनेक्ट करना, ठीक है, और जैसे वॉलेट को कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ, और जैसे पासवर्ड डालोगे नेक्स्ट करना, कनेक्ट कर लेना, इसको कनेक्ट करना है, और जैसे कनेक्ट करोगे साइन कर लेना। ठीक, और ये सिंग स्वैप क्या है, अगर आप जेके सिंग किए होगे उसमें ये आया हो तो उसी वॉलेट में आप करना, इसको पहले फॉलो करना। ठीक है, जैसे आप इसको फॉलो कर लोगे तो यहाँ पे जो भी टास्क है वो सात टास्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक, जैसे यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मान लो 2 पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट है, आपका नहीं हो तो अकाउंट बना लेना। अब देखो यहाँ पॉइंट कैसे यहाँ पे है, इस पर टाइप करना है NFT वाले पे। जैसे क्वेस्ट ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे बहुत सारा टास्क है, तो यहाँ पे से ये भी सिंपल सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है, रिट्वीट करना, लाइक करना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना। आप देखो लास्ट लो क्या है, स्वैप ऑन सिक्स सिंग स्वैप, इसके पहले जो भी सिंग स्वैप पे स्वैपिंग किए होंगे तो उनका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी $10 मिनिमम वॉल्यूम कितना बनाना, $10 का। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे मैंने वेरीफाई पर टाइप किया, मेरा इसलिए वेरीफाई होगा क्योंकि मेरा ये जेके सिंह का ऑलरेडी ये अकाउंट है, इसलिए मेरा डायरेक्ट वेरीफाई होगा, इसलिए मैं आपको ये एयर ड्रॉप बताया हूँ। अब यहाँ पे जेके सिंह आई होप सभी लोग किए, नहीं किए अभी भी कर सकते हो, लाइव एयर ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, जो कि सिंह स्वैप का डिस्कॉर्ड सर्वर है। ये वॉलेट को कनेक्ट करना, और जैसे वॉलेट को कनेक्ट करोगे आपका डिस्कॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई हो जाएगा देखो यहाँ पे, और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करना। ठीक है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे ऑथराइज कर लेते हैं, और यहाँ पे न्यू नीड टू वेरीफिकेशन, अभी वेरीफिकेशन मेरा करना है, कर लूँगा बाद में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइक रिट्वीट करना है, फिर यहाँ पे फॉलो करना है। ये इजी टास्क है, करने के बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट है इसको क्लेम करना। अब ये इसलिए जल्दी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि FCS है, ठीक है, और ज़्यादा वायरल हुआ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, तो इसको कर लेना। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे मेरा सारा टिक हो गया, मतलब सारा टास्क मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे पॉइंट 110 इसको क्लेम करना है, ये जल्दी क्लेम करना है, FCS है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जेके सिंह ईरा का नेटवर्क पे आपको क्लेम करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं मेटामास्क में। जैसे मेटामास्क में आएंगे, मेटामास्क में आने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे जेके सिंह ईरा कर लेते हैं यहाँ पर मेननेट, और यहाँ पे मेरा ईरा मेननेट हो गया। ठीक है, और जैसे ईरा पे करो तो यहाँ पे आपको क्लेम करना होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड पर टाइप करना, और जैसे क्लेम रिवॉर्ड पे आओगे तो यहाँ पे आपका क्लेमिंग होगा, जो कि यहाँ पे मेटामास्क का कुछ कंफर्मेशन आएगा, और यहाँ पे कुछ फ़ी लगेगा। अब यहाँ पे फ़ी इसलिए मांग है कि यहाँ पे इथेरियम पे है, तो यहाँ पे कुछ फ़ी हाई होगा, तो यहाँ पे अभी देखो बहुत हाई है, $3 का है, मेरे वॉलेट में कम से कम अभी $2 है। ठीक है, तो मैं वेट करूँगा फ़ी डाउन होने का। ठीक है, जैसे लो पे आएगा मैं वेट करूँगा फ़ी डाउन होने का, तब इसको क्लेम करेंगे रात में। बस आपको इतना काम कर लेना, तब आपको क्लेम करना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी क्लेम कर ले। अब आइए चलते थर्ड लूट पे। तो जो थर्ड लूट है वो टेस्टनेट का लूट है, जो कि यहाँ पे आपको फ्री का टेस्टनेट है, जो अभी तक जितना भी मैंने बताया एयर ड्रॉप वो फ्री का एयर ड्रॉप था, अब यह भी फ्री एयर ड्रॉप है, जो कि थर्ड एयर ड्रॉप है। यहाँ पे बिकम ट्रेडिंग लीजेंड आर्क डिजिटल ट्रेडर करके है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जैसे आप आओगे नीचे स्लाइड करोगे, नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग मई ऐसे ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखा है, योर गोल इज पॉइंट, आपका काम क्या है, आपको बस पॉइंट अर्न करना है ट्रेडिंग करके, और यह टेस्टनेट होगा। जो कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको गैलेक्सी का Q3 का टास्क भी करना है। ठीक है, और यहाँ पर रोल भी लेना है, और यहाँ पर टोकन को क्लेम भी करना है। तो कैसे करना सारा चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। और यहाँ पे जैसे आप देखो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, गैलेक्सी का टास्क दिख रहा होगा, जो कि आपको गैलेक्सी का टास्क यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको ईजी है, कैसे करना ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। ठीक, तो यहाँ पे गैलेक्सी का टास्क कैसे करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गैलेक्सी का टास्क मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे आपको लिंक मैं दे दूंगा ऑलरेडी, तो जैसे लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पे मैं गैलेक्सी का ये खोल दिया, वॉलेट भी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, साइन इन कर लिया। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे जो क्रिएट थे गैलेक्सी का टास्क है, इसको आपको क्लेम करना है, मतलब कि ये पहले आपको 4:30 बजे से पहले क्लेम करना है, और इनका कुछ अपडेट आने वाला है जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो पहले जो जो टास्क वो आपको क्लेम करना है, देखो यहाँ पे ये टास्क है, जैसे यहाँ पे देखो डिस्कॉर्ड वेरीफाई करना, ट्विटर पर ट्वीट करना, यहाँ पर डिजिटल आर्क ये टेलीग्राम ज्वाइन करना, ट्विटर ज्वाइन करना, यहाँ पर रिट्वीट ज्वाइन करना। ठीक है, सब कुछ कर लेना, फिर उसके बाद डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके डिस्कॉर्ड इनका वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ पर डिस्कॉर्ड इनका ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं डिस्कॉर्ड ऑलरेडी ज्वाइन है, सब कुछ टास्क हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका
FTS है, या कभी कभी भी ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्क डिजिटल क्लीवेज सिंपल टास्क है, ये क्लेम करने के बाद ये आपको क्लेम करना होगा। जैसे इस पे क्लेम करोगे तो यहाँ पे इथेरियम पे आपको करना होगा, इथेरियम नेटवर्क पे। तो यहाँ पे मेटामास्क खोल लेते हैं पहले, और यहाँ पे इथेरियम, आपको इथेरियम पे आ जाना और इथेरियम मेननेट पे, तब इसको क्लेम करना। ठीक है, जैसे ही क्लेम हो जाएगा, इसमें आगे भी टास्क है मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो ये जैसे आपका क्लेम हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपका क्लेम हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे आ गया क्लेम किया हुआ। ठीक है, अब जैसे क्लेम आ जाएगा तो यहाँ पे आपको पहले क्लेम करना इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे क्लेम कर लिया। अभी देखो कितने लोगों ने किया है, मात्र 6-7 हज़ार लोगों ने किया। अभी इसके आगे का टास्क क्या है, देखो इसमें कैसे आपको और भी टास्क करके, ट्रेडिंग करके आपको पॉइंट अर्न करना है, तो किस माध्यम से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चेन लिस्ट में आ जाना हो। ठीक है, तो चेन लिस्ट सर्च करना, और यहाँ पे चेन लिस्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे टेस्टनेट को ऑन करना। टेस्टनेट ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ARB। ठीक है, ARB सर्च करना, ARB सर्च करोगे तो नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑन करना होगा ARB गोरिली करके, यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, कनेक्ट कर लेना इसको। ठीक, तो जैसे इसको कनेक्ट करोगे सिस्ट नेटवर्क करके, ये आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा आपका मेटामास्क में। ठीक है, अब आपको एक और वेबसाइट का लिंक देंगे, जो कि यहाँ पे आपको पहले ये खुल जाएगा। अब देखो एक और वेबसाइट का लिंक देंगे, जो कि यहाँ पे आपको ओपन करना है। ठीक, अब जैसे ऐड करोगे तो आप क्रू का जो टास्क करोगे उसमें आपको, यहाँ पर जैसे आप क्रू का टास्क कर लोगे उसमें आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया होगा। तो डिस्कॉर्ड जब ज्वाइन किया होगा तो डिस्कॉर्ड ओपन करना है। ठीक है, जो डिस्कॉर्ड का लिंक है वो ओपन करना। जैसे ओपन कर लोगे डिस्कॉर्ड, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो डिस्कॉर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक टास्क हो जब क्लेम होगा, जो कि यहाँ पे आर्क में आ जाना। और आर्क में आने के बाद यहाँ पे जैसे आओगे सब वेरीफाई करने के बाद, यहाँ पे जैसे नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे नीचे आप सेलेक्ट करना वेरीफाई क्रू करके आएगा। जैसे वेरीफाई क्रू पे आएगा यहाँ पे रिएक्ट करना और वेरीफाई क्रू पे कर टैप करना। जैसे आप क्रू को टास्क कर लो तब, अब यहाँ पे वही एड्रेस डालना जिस एड्रेस से आपने ये टास्क कंप्लीट किया है। मेटामास्क का एड्रेस आपको डाल देना होगा, यहाँ पे आना मेटामास्क में और एड्रेस कॉपी कर लेना। जैसे कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। फिर सबमिट करना, जैसे सबमिट करोगे ये आपका ऑटोमेटिक लिखा है, दिस वॉलेट सक्सेसफुली सबमिटेड, वेलकम टू आर्क डिजिटल। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आओगे टेस्टनेट फॉसेट वाला आएगा। ठीक है, फॉसेट पे आना तो यहाँ पे आपको क्लेम करना है। यहाँ पे देखो फॉसेट कितना है, USDC सब है, आपको इसको क्लेम करना है। जैसे इसको क्लेम कर लोगे तो यहाँ पे वही एड्रेस डालना जो आपने जिस एड्रेस पर टास्क किया है। तो सबमिट करोगे, जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका फॉसेट आपको रिसीव हो जाएगा कुछ देर में। ठीक है, अब जैसे रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपको इनका वेबसाइट का लिंक देंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया जाए कि यहाँ पे आप जितना पॉइंट अर्न करेंगे उतना आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका वेबसाइट पे आ जाना, और यहाँ पे ट्रेडिंग व्रेडिंग करना है तो कैसे करना मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे आगे का टास्क कैसे करना देखो, यहाँ पे आप, मैं ओपन कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट करना, कनेक्ट करना, यहाँ वॉलेट को कनेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको चेक इवेंट पर टैप करना। ठीक है, और जैसे चेक इवेंट पर टैप तो वही डिटेल खुल जाएगा, इसको कट कर देना। अब देखो क्या क्या, वॉलेट कनेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अर्न पॉइंट, जो भी आप पॉइंट अर्न करोगे तो यहाँ पे शो करेगा। अब नीचे आना, जैसे नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, आप जो कैसे आपको कितना लोग कितना पॉइंट अर्न किया वो सब कुछ दिख रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे फ्यूचर होगा, लिक्विडिटी होगा, और यहाँ रिवॉर्ड होगा। तो आपको फ्यूचर वाले पर टैप करना, और यहाँ पे जो भी है गो टू डिपॉजिट पे टैप करना है। डिपॉजिट पे आना हो गया, डिपॉजिट पे आने के बाद जो भी आपके पास आपको फॉसेट मिल जाएगा वो आपको सब डिपॉजिट करना है। जैसे कि मुझे अभी कुछ मिला नहीं, कि वहाँ पे टाइम लगेगा आने में, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप जब जब भी आ जाएगा आपका, मतलब फॉसेट आ जाएगा, अभी तक मेरा आया नहीं है, मैं फिर से पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आ जाएगा, आने के बाद देखो यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन, आपको बस आपको सेल बाय करना है, मतलब कि आपको पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा अर्न करना है। जैसे आपका आ जाएगा तो यहाँ पे, जैसे आ जाए तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे 0.1 है करके। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर करोगे, यहाँ पे अप्रूव करोगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, मतलब डिपॉजिट करना है बस। अब देखो ओवरव्यू पे आओगे, ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे मतलब जो भी आपको फॉसेट मिला है उसको आपको डिपॉजिट कर लेना। ठीक, जैसे डिपॉजिट कर लो तो यहाँ पे रिवॉर्ड में आओगे। तो यहाँ पे रिवॉर्ड में आने के बाद यहाँ पे अर्न पॉइंट पे आओगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 90,000 पॉइंट करना। अब 90,000 पॉइंट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी का एक टास्क है, जो कि यहाँ पे आपको गैलेक्सी का टास्क है। जैसे क्योंकि यहाँ पे जब आप 90,000 पॉइंट कर लोगे इस NFT को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, समझ गए। इसीलिए आपको यहाँ पे आर्क पे आने के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट को अर्न करना है।
आप कैसे अर्न करना है मैंने बता दिया आपको, जब फॉसेट आ जाएगा, अभी ट्रैफिक के कारण फॉसेट नहीं आ रहा है, जब फॉसेट आ जाएगा तब आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट जितना बड़ा सेल बाय करोगे उसका जो वॉल्यूम बनेगा वही वॉल्यूम से आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूटिलिटी है, इसको डिपॉजिट पे टाइप करते हैं। अभी देखो मेरा फॉसेट आया नहीं है, आइए डिस्काउंट में देखते हैं फॉसेट क्यों नहीं मिल रहा अभी तक। अब यहाँ पर देखो, जब फॉसेट लेने जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत बार प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। 10 से 15 बार आपको ट्राई करना होगा, जैसे ट्राई कर लो तो यहाँ पे आपको क्लेम करो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यू रिसीव फॉसेट विद इन 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ फॉसेट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर फॉसेट मिल जाएगा, फॉसेट यहाँ पर मिलने के बाद डिपॉजिट पे आ जाना, ठीक। डिपॉजिट के आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10,000 USDT मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे WETH देखते हैं, ये नहीं मिला, 10 ये भी मिल गया, BTC देखते हैं मिला कि नहीं मिला, ये भी मिल गया है, ठीक है। अब देखो USDT पे आ गया, तो आने के बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट करोगे, जैसे डिपॉजिट करोगे जितना बार करोगे उतना बार आपका यहाँ पे बनते जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बस अर्न करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डिपॉजिट में BTC हो गया है। अब यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो आपको यहाँ विड्रॉ का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले आपको डिपॉजिट ही करना है, उसके बाद ही आपको करना है। यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे मैं कम से कम 5,000 करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे 5,000 कहेंगे तो इसको भी अप्रूव करना है, उसके अब BTC जितना बार अप्रूव करोगे उतना बार आपको यहाँ पे USDT भी अप्रूव करना होगा, सबको एक एक बार अप्रूव कर लेना होगा। और यहाँ पे मैं 55 ये डालता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, अप्रूव करना है, ये भी आपका डिपॉजिट हो जाएगा। नीचे आपको जैसे अप्रूव हो जाएगा डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया। अब आप आने के बाद अब आपको यहाँ भी अब कंफर्म करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास आर्बिट्रम का गोरली ETH नहीं है तो आपको यहाँ पे ब्रिज कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज कर सकते हो, गोरली ETH से आपको यहाँ पे आर्बिट्रम ETH ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कम पड़ जाता है, आपका बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, अब देखो यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, और मैं देखता हूँ यहाँ पे WETH है, तो यहाँ पे WETH में 4 बार करता हूँ, 4 करता हूँ, ठीक है। इसको भी अप्रूव कर लेते हैं, ये भी हो गया, इसको भी डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। अब सब करने के बाद आपको एक बार चेक करना होगा कि आपका पॉइंट कितना बना है। 90,000 हो गया, समझो आपका काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, आप अपना पॉइंट चेक करते हैं, रिवॉर्ड पे आना, और रिवॉर्ड पे आने के बाद यहाँ पे अर्न पॉइंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अभी आने में टाइम लगेगा, तो इसको पेज को रिफ्रेश रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट देखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप तुरंत किए हो ना, 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, तो आपका पॉइंट आ जाए। अब यहाँ पे सेल बाय का ऑप्शन आ गया होगा आपको, तो ETH क्या हो, तो इसी ETH वाला प्लेस ऑर्डर करना, और आपका मेटामास्क का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये पहले का जो ट्रांजेक्शन है उसको पहले रिजेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा 100% कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेल बाई कर लेना हो, ताकि आप सेल बाई करोगे तभी आपका वहाँ पर वॉल्यूम भी बनेगा। देखो मार्केट पे ये सेल भी अमाउंट लग गया है। अब यहाँ पे बाई का भी ऑप्शन है, तो बाय सेल करते रहना, ठीक है। यहाँ भी प्लेस ऑर्डर है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट बनते जा रहा है, बन रहा है ना, 8,000 हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे 90,000 करना है, तो 90,000 करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, वही आपको सेल बाय करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर गोरिल्ला ETH आपको कम पड़ जाए तो यहाँ से आपको ले लेना, मतलब आर्बिट्रम का ETH आपको कम पड़ जाए तो यहाँ से आपको गोरिल्ला ETH आपके पास होगा ही, यहाँ से स्वैप कर लेना, बस जल्दी करो, जाओ जल्दी कर लेना, पॉइंट आपको अर्न करना है, ठीक। ऑर्डिनल की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डिनल वॉलेट आपको पता ही है, वो जो कि ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ बहुत बार, फोर्थ एयर ड्रॉप है जो कि ऑर्डिनल का, यहाँ पे जो फोर्थ एयर ड्रॉप है जो कि ऑर्डिनल का है। तो यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे कलेक्शन पे आओगे, ठीक है। कलेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पे सेट्स करके होगा, जो कि यहाँ पे हमको बता देना चाहता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पे आपको पहले यूनी सेट करके होगा, जो कि यहाँ पे यूनी सेट ऑलरेडी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनी सेट वॉलेट को खोलना, और यहाँ यूनी सेट खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे होगे BRC होगा, और यहाँ पे आपको वॉलेट होगा, जैसे वॉलेट टाइप करोगे यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे वॉलेट को कनेक्ट करोगे यहाँ पे आपका यूनिसेट वॉलेट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक। फोर्थ ऑर्डर बता रहा हूँ, मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, जो कि यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे सेट्स मतलब कि करना है, ठीक।
यहाँ पे सेट कैसे होगा, यहाँ पे पहले वही यूनिसेट से वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं, या कनेक्ट करो या ना कनेक्ट करो फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको, तो यहाँ पे तो मैं फिर भी कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट हो गया। आप देखो क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सेट्स को इंस्क्राइब करना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आ जाओगे इंस्क्राइब पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेट्स डॉट नेम करके होगा, इस पर टैप करना। अब यहाँ पे वही ऐसा नाम चूज करना होगा जो कि यहाँ पे आपका एलिजिबल हो, मतलब कि जैसे मान लो यू करते हैं, ये नेक्स्ट करते हैं तो ये नहीं होगा, मतलब आपको कोई भी अच्छा डिजिट नाम चूज करना जो कि यहाँ पे मार्केट प्लेस में सेल हो सके। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे कोई भी मैं यूज कर लिया, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जो एलिजिबल होगा वो आपको नाम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी अच्छा नाम चूज करना जो कि आपका यहाँ पे मिंट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई अच्छा चूज कर लेता। तो यहाँ पे जो भी आप नाम चूज करो, जैसे मान लो कि मैं टीट करके कुछ भी नाम डाल देता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको डॉट लगाना होगा। ठीक है, डॉट लगा के सेट्स लिखना होगा, जब सेट्स लिखोगे तभी आपका होगा। आप यहाँ पे नेम सर्च करोगे तो यहाँ पे एलिजिबल है ये वाला, तो यहाँ पे और भी कोई नाम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में फॉर्मूला कर लेते हैं, जो कि जो अच्छा नाम हो वो आपका बिकने, जैसे डोमेन है एक तरह का, तो एक सेकंड, नेक्स्ट ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं, ये अवेलेबल है। अब इसको जैसे नेक्स्ट करोगे, जो अवेलेबल होगा ग्रीन हो जाएगा, नहीं होगा रेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मिंट करना है, तो इसको मिंट करने के लिए आपके वॉलेट में बिटकॉइन होना चाहिए। अगर आपके पास यूनिसेट में वॉलेट में फंड है तो यूनिसेट से डायरेक्ट आपको इसको मिंट कर सकते हैं। आप जैसे नहीं किया हो तो देखो मिंट की कितना लग रहा है, मात्र $2 लग रहा है। कस्टम पे करके आप मिंट कर सकते हो, मात्र $2.42 लगे, जो कि बिटकॉइन है। यूनिसेट पे आपको बिटकॉइन डायरेक्ट बाइनेंस से मंगा लेना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आपको एड्रेस कॉपी करना है और बाइनेंस से डायरेक्ट मंगा लेना है। ठीक, जैसे आप बाइनेंस से डायरेक्ट मंगा लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिसेट में आ जाएगा, तो फिर आपको पे करना है। अगर आपके पास वो ओरिजिनल में है तो यहाँ ओरिजिनल से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ओरिजिनल वॉलेट में है तो पे विथ BTC पे टैप करोगे और यहाँ पे QR कोड है पे स्कैन करोगे और यहाँ पे आपको जितने अमाउंट देखना है उतना आपको पे करना होगा। ठीक, पर आपको ध्यान रखना, आपको यूनिसेट से ही करना, क्योंकि आराम पड़ेगा, डायरेक्ट पे विथ यूनिसेट वॉलेट से हो जाएगा और आप जैसे मिंट हो जाएगा आपका नाम का डोमेन आपका मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा सेट। अब बोल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मिंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका मार्केट प्लेस भी आ गया है। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कलेक्शन में आओगे, कलेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा रहता हूँ, नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे सेट्स करके आएगा। ठीक है, सेट्स में आके अब यहाँ पे ऑलरेडी इसका फ्लोर देखोगे तो $6 या $5 के करीब में होगा, $5.5। तो ये मत देखो $5.5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कि सेलिंग है बहुत हार्डिंग हार्ड हो रहा है, जो कि अभी नया है। अब यहाँ पे सोल्ड पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि ऑल टाइम हाई करोगे, यहाँ पे सारा NFT सेल होते जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे नीचे तो यहाँ पे कितना डॉलर में सेल हुआ है, 0.53 भी डॉलर में सेल हुआ है, BTC जो कि $0.4 में सेल हुआ है। तो समझो आपका भी NFT अच्छा, अगर चूज करोगे अच्छा नाम का, तो आपका भी यहाँ पे सेल होगा। तो नाम कैसे चूज करना यहीं से देख लेना, जैसे लक्की हुआ, 9986 वैन हुआ, PPP करके हुआ, ऐसे ऐसे आप NFT सेल कर सकते हो। ठीक है, देखो नंबरिंग में चूज कर सकते हो, तो जो भी करना लास्ट में डॉट सेट्स करना, यहाँ पर देखो 0.8 हुआ, ऐसे करके आप NFT को मिंट कर सकते हो, डोमेन मिंट कर सकते हो। ठीक, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप देखो बुल रन है, यहाँ पे इतना में बिका, 0.99 है, ये आपके ऊपर, आपको आप कैसा चूज करते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आप करोगे, मान लो यहाँ पे कैट करते हैं, कैट्स डॉट सेट्स। ठीक है, यहाँ पे सेट्स, आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ये मिंट हो गया, इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा चूज करना है तो आप मिंट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लिया ऑलरेडी, यहाँ दूसरा देखते हैं, G20 है, नहीं ये भी मिंट हो गया, जो अच्छा मिंट होगा आप कर लेना मिंट करके, और जितना भी एयरड्रॉप पता है सारा सारा एयरड्रॉप आप कर लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।